वहीं लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान कई दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम किया गया है। और इस दौरान आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश और राहुल गांधी पर टीका हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों लड़कों की जोड़ी सुपर फ्लॉप है, दोनों के पास ना कोई नीति है और ना कोई एजेंडा। तो जहां एक ओर देखिए पहले चरण का मतदान अब नजदीक है, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, ऐसे में दल बदल का दौर लगातार जारी है। और इसी कड़ी में लखनऊ बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखा गया। तो उनके पास धरातल नहीं है, ये जो दो लड़कों की जोड़ी है ये इन लोगों ने 14 में भी बनाई थी, सुपर फ्लॉप साबित हुई, और इसके बाद जब 17 में चुनाव हुआ तब भी इन्होंने गठबंधन किया था, सुपर फ्लॉप साबित हुआ, और 19 में तो सारे गठबंधन करके देखे सब फ्लॉप साबित हुए। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है, मोदी जी की गारंटी आज लोगों के दिलों में घर कर गई है, और पूरा उत्तर प्रदेश, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग माननीय मोदी जी के साथ है और विकसित भारत के संकल्प के साथ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के सिद्धांत पर काम करती है। हम किसी का अपीजमेंट नहीं करेंगे, किसी का तुष्टिकरण नहीं करेंगे, लेकिन संविधान के तहत सबको साथ लेकर के चलेंगे। और देखें कि मोदी जी की जो हमारी गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं, हमने सबको समाहित किया है, सबको जीवन स्तर को ऊपर उठाने का अवसर माननीय मोदी जी ने प्रदान किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए जिस तरह से अब चुनाव पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, ऐसे में देखिए दल बदल का दौर भी जारी है। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया और जिस तरह से डिप्टी सीएम ने इस जोड़ी को एक फ्लॉप जोड़ी करार दिया, 2017 का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, क्या कुछ और बातें उनकी ओर से कही गई हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार विभिन्न दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल करा रही है। वजह है कि बीजेपी ने पहले से ही रणनीति बनाई थी कि जो ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों में अच्छा क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं या जो जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं, जिनकी साफ स्वच्छ छवि है, ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेगी। हालांकि इस अभियान को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस जिम्मेदारी को लगातार वो निभा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 कार्यक्रम हो चुके हैं जिसमें डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने लगातार दूसरे दलों के जो नेता हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हों या क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हों या फिर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हों, इस स्तर के नेताओं को लगातार पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार देख रही है कि बूथ स्तर तक अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए कौन से नेता उपयुक्त हो सकते हैं जो पार्टी की बेहतर परफॉर्म कराने में मदद कर सकते हैं, जिनका अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, जिनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है जिससे पार्टी को नुकसान हो सके। तो ऐसे नेताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले रही है। उनको 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लगातार मैदान में लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाएं, किस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार काम कर रही है उसको लेकर लोगों को बताएं, बूथ स्तर तक लोगों को जागरूक करें। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला, जिस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की जोड़ी सुपर फ्लॉप है और उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं। जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने काम किया है, जनता का विश्वास उनमें है, इस तरीके के बयान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक देते नजर आए। हालांकि इस दौरान उन्होंने 2017 के उस समय का भी जिक्र किया जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार मिलकर रैलियां कर रहे थे, एक साथ हर मंच पर नजर आ रहे थे और एक नारा चला था कि दो युवाओं की जोड़ी, कहीं ना कहीं वो चीजें अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जो चीजें हुई हैं उनको लेकर भी डिप्टी सीएम बृजेश पाठक निशाना साधते नजर आए। हालांकि चुनाव अब लगातार आगे बढ़ रहा है, पहले चरण के लिए कल उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान है, ऐसे में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक लगातार विभिन्न दलों से आए हुए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं और इस दौरान विपक्ष पर भी लगातार उनकी तरफ से तीखे हमले किए जा रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, बयानबाजियों का दौर तो लगातार जारी है, और ऐसे में देखिए इसके जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में चाहे समाजवादी पार्टी के हो या फिर अन्य दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर भी समय समय पर प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं कि चाहे बड़े नेताओं का शामिल होने का सिलसिला हो बीजेपी में या छोटे कार्यकर्ता जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में विपक्ष हमेशा लगातार हमलावर रहा है कि जो बीजेपी में आता है चाहे कितना बड़ा भी भ्रष्टाचारी हो वो वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन इसको भी टर्म यूज किया जाता है। तो इस तरह की बयानबाजी अभी हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम भी हो रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है और सीधे तौर पर हर वो चीज देख रही है जो कील काटे 2024 के रास्ते में है उनको लगातार कहीं ना कहीं बिन रही है, उनको खत्म कर रही है। और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि किस क्षेत्र में 2022 का चुनाव रहा हो, 2019 या उसके पहले 2017 2014 के चुनाव रहे हों, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में परफॉर्मेंस थी और भारतीय जनता पार्टी किस नेता को साथ ले ले जिससे कि वहां पर परफॉर्मेंस सुधर सके, भारतीय जनता पार्टी से लोगों की जो नाराजगी अगर कहीं है तो उसको कैसे दूर किया जा सके, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उसको कैसे पूरा किया जा सके। ऐसे नेता जो लोगों के बीच में बेहतर कहीं ना कहीं अपनी छवि रखते हैं, लोग उनके ऊपर यकीन करते हैं, ऐसे नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, तो लगातार इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हालांकि भले ही विपक्ष लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहा हो, लगातार इस तरीके की चीजें कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग तरीके के नेताओं को शामिल किया जा रहा है, उन पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी हो, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो मिशन ज्वाइनिंग है वो जारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है जो लगातार कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर विभिन्न दलों से आए हुए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। हालांकि पिछले के जो चुनाव रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के ज्वाइनिंग कार्यक्रम चलाए हैं, कुछ इसी तरीके का ज्वाइनिंग कार्यक्रम आज भी उत्तर प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय में हुआ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसके जब बीते दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें एक सवाल ये भी उठा था कि आप पहले 2017 में साथ आए, उसके बाद फिर अलग हुए, फिर साथ आ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम हमेशा से ही साथ रहे हैं और एक बार फिर से साथ आए हैं। अब क्योंकि एक बड़ा संशय है कि एक चुनाव में आप साथ रहते हैं और उसके बाद चुनाव अलग लड़ते हैं और एक बार फिर से साथ आते हैं, जनता के बीच में तो संशय है ही इसको लेकर कि आखिर चुनावी फायदे के लिए साथ ना और अलग होना, जनता को इसका कितना लाभ मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सवाल बड़े हैं क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, हालांकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। लेकिन निश्चित तौर पर जहां विपक्ष पर इस तरीके के सवाल हैं, लेकिन विपक्ष के सामने भी चुनौती है अपनी जमीन बचाने की, अपनी कोई भी सीटें दोबारा पाने की, किस तरीके से अपने संगठनात्मक ढांचे को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया जाए क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है। बिना उत्तर प्रदेश के सहयोग के या बिना उत्तर प्रदेश में अच्छी परफॉर्म किए केंद्र में सरकार बनाना किसी भी पार्टी के लिए संभव है। तो ऐसी स्थिति में लगातार भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है और विपक्ष भी पूरी तरीके से लामबंद है, कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म करके केंद्र की सत्ता में कहीं ना कहीं वापसी की जाए। हालांकि ये सारी चीजें जनता को तय करनी है क्योंकि पहले चरण का कल मतदान भी है और लगातार अब ये उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया चलेगी क्योंकि 7 चरणों में अलग अलग समय पर अलग अलग जिलों में मतदान होने हैं, उसको लेकर भी तैयारियां हैं। तो ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं वो भी काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसी वजह से एक साथ आ रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर खड़े हुआ जाए। अब देखना यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन क्या कुछ उत्तर प्रदेश में कर पाता है, क्या वास्तव में वो परफॉर्मेंस वो कर पाते हैं जिसको लेकर वो अभी तक अपेक्षा या लगातार दावे कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी और नतीजे 4 जून को सभी के सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इसके आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।